नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। उत्तर प्रदेश के बहराइच श्रावस्ती हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। गुजरात से बलरामपुर जा रही बस चावल लदे ट्रक से टकरा गई। बस और ट्रक के बीच हुए भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है और तकरीबन 20 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों का 224 करोड़ रुपए का बकाया वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनकेश्वरी मैदान में आयोजित होने वाले मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए अटल समाधि स्थल पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू दौरे पर जा सकते हैं। राजौरी और पूंछ में आतंकवाद विरोधी अभियानों सहित सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी का कहना है कि हमने अभी अभी तेलंगाना में सरकार बनाई है और केरल दूसरा राज्य है जिसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। केरल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। इजराइल ने क्रिसमस के दिन गाजा पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर सोमवार की सुबह तक गाजा पर बम बरसाए हैं। क्रिसमस के दिन पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को चौंका दिया। सुबह के अभ्यास सत्र के दौरान पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया कैंप में पहुंच गए जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स और उनके परिवार के सदस्य को सरप्राइज गिफ्ट बांटे। सिंध प्रांत की राजधानी कराची के एक प्रमुख धार्मिक स्कूल जामिया बिनोरिया टाउन के टिकटॉक को लेकर एक फतवा जारी किया है। पाकिस्तानी स्थानीय मीडिया की जानकारी के मुताबिक स्कूल ने टिकटॉक के उपयोग को अवैध और हराम घोषित किया है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 30 नवंबर से अब तक जांच किए गए 20 नमूनों में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये मामले कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के हैं। ऐसे में ठाणे में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि शहर में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 28 है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल तानाशाही प्रवृत्ति से खिलाफ लड़ना चाहते हैं लेकिन तय करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है। उसके बाद उनकी विधानसभा से अयोग्य करार दे दिया गया। सुनील केदार को नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भी कोई आपत्ति आती है तब पहले दौड़कर शिवसैनिक ही आता है। कई बार दूसरों को बचाते हुए मेरे शिवसैनिक ने जान दी है। यही हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व दूसरे धर्म से द्वेष करना नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने NCP प्रमुख और अपने चाचा शरद पवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 60 साल की उम्र में अलग होने का फैसला लिया। कुछ ने तो 38 साल की उम्र में अलग होने का निर्णय ले लिया था। मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई। यहां अज्ञात हमलावरों ने 20 राउंड से ज्यादा गोलीबारी की है। इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों के जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा आरक्षण के लिए मनोज रांगे पाटिल को अब आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यूरिटी पिटीशन पर 26 जनवरी को विचार करेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को एक्सेप्ट किया है। रणबीर कपूर स्टार एनिमल को रिलीज हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन इस क्राइम थ्रिलर का क्रेज दर्शकों के सिर अब भी चढ़कर बोल रहा है। यहाँ तक कि ये फिल्म लेटेस्ट रिलीज सालार और डंकी के तूफान के आगे भी टिकट खिड़की पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दमदार कलेक्शन कर रही है। शाहरुख खान की डंकी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इसी बीच रविवार की शाम शाहरुख ने मन्नत की बालकनी में आकर अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान का निकाह हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रवीना और अरबाज साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के फिल्म डंकी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच क्रेज देखा जा रहा है। जहां बॉस ऑफिस पर डंकी ठीक ठाक कमाई कर रही तो वहीं अब शाहरुख खान की फिल्म की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।